नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित और एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल सीकेआर किचन में। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए आज बनाते हैं हम बिल्कुल गाँव के तरीके से ढोकले। तो आज मैं अपने सासू जी से बिल्कुल देसी तरीके से ढोकले कैसे बनाते हैं वो सीख रही हूँ। तो ये 2 हरी मिर्च है, 10-12 कलियां लहसुन की है, थोड़ा सा फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, तीनों को अच्छे से कूट लिया है और ये ले लिया है 2 ग्लास पानी और इसमें डाल दिया है लगभग ये 2 से 3 चम्मच पापड़ खार, इसको खारा भी कहा जाता है, पापड़ खार भी कहा जाता है। तो ये 2 से 3 चम्मच इसमें हमने डाल दिया है, अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। और इसको अब अच्छे तरीके से पानी को उबलने देना है। और यहाँ हमने ले लिया है ये लगभग ये 1/2 किलो के करीब गेहूं का आटा है और इसमें 200 ग्राम के करीब हमने डाल दिया है मकई का आटा। तो इसको हम अच्छे तरीके से एक बार छान लेंगे और दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये डाल दी है 1 चम्मच मिर्ची है, 1 चम्मच अजवाइन है और 1/2 चम्मच इसमें जीरा है और मोटा जो साबुत खड़ा धनिया होता है कुटा हुआ वो है 1/2 चम्मच और जो हमने हरी मिर्च हरा धनिया और लहसुन को कूट के तैयार किया था वो पेस्ट भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसमें मोइन डाल रहे हैं, तो ये तिल का या मूंगफली का ऑयल डाल सकते हैं। तो ये लगभग 5 से 6 चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाल दिया है। तो हमने यहाँ पे तिल का ऑयल यूज़ किया है। तो ये मोइन के लिए ऑयल हमने डाला है 5-6 चम्मच, इससे काफ़ी सॉफ्ट हमारे ढोकले बनेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से पानी खौल चुका था, तो अब छलनी की सहायता से छान कर इसको हमने उबलते हुए पानी को हमने आटे में मिक्स कर लिया है और अब चम्मच की सहायता से इसको मिक्स करेंगे क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म है तो फिर हाथ से तो होगा नहीं। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक गाँव के तरीके से हम आज ये ढोकले बना रहे हैं और ये मैं अपने मम्मी जी से सीख रही हूँ कि किस तरीके से बिल्कुल देसी स्टाइल में ढोकले बनाए जाते हैं। वो पानी हमने सारा आटे में डाल दिया है, उसको हम मिक्स कर रहे हैं और तब तक हमने 1 से 2 ग्लास पानी और गर्म होने के लिए रख दिया है। हल्का गुनगुना करेंगे पानी को। तो अच्छे तरीके से एक बार पानी को इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से एक बार आप ढोकले जरूर बनाएं, बहुत ही शानदार लगते हैं। तो देखिए ये पानी गुनगुना हो गया है, तो ये भी जरूरत के हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ढोकले का आटा हमको बिल्कुल सॉफ्ट करना है, बिल्कुल रोटी का जो आटा होता है बिल्कुल उसी तरीके का सॉफ्ट आटा लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जो हमने पानी में पापड़ खार डाला था तो उसी में नमक मिक्स था। तो अगर पापड़ खार में अगर आपके नमक मिक्स ना हो तो फिर आप टेस्ट के हिसाब से उसके साथ नमक भी अलग से ऐड करें पापड़ खार के साथ। भाई थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे जितना हमको जरूरत पड़ेगी। तो देखिए हल्का सा ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो हाथ से मिक्स करेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है इसको बिल्कुल ठंडा नहीं होने देंगे, गरम गरम ही थोड़ा मिक्स करना होगा। हल्का सा ठंडा कर सकते हैं, बिल्कुल ठंडा कर लेंगे तो फिर जो आटा है उसमें आपकी गुठलियाँ पड़ जाएगी तो फिर वो ढोकले अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए इसको हमने गूंथ लिया है, थोड़ा सा हाथ से मत लेंगे ताकि आटा हमारा स्मूथ हो जाए। तो ये देखिए हिमनेश भी हेल्प कर रहा है बीच बीच में, दादी की आपको छोटे छोटे हाथ दिख रहे होंगे, पूरी कोशिश करता है भी ये हेल्प करने की। तो अब अपने हिसाब से थोड़े छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद है उस तरीके की ढोकले हम बना लेंगे। तो बस पेड़ा लेना है अपने जरूरत के हिसाब से और उसको स्मूथ रोल बना लेंगे और हथेली की सहायता से थोड़ा सा चपटा करके और बीच में उंगली से हम हॉल बना लेंगे। उससे क्या होता है कि अच्छे से स्टीम हो जाते हैं ढोकले और दिखने में भी अच्छे दिखते हैं। तो इसी तरीके से सारे ढोकले हमने ये बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब इसको हमको स्टीम करना है, तो किसी भी स्टीमर में आप स्टीम कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये इडली मेकर का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमने पानी डाल दिया है और ऊपर जाली लगा दी है हमने। और जब पानी हमारा अच्छे से उबल जाएगा तो इसके ऊपर हम ढोकले लगा देंगे इस तरीके से। देखिए एक ढोकला सेंटर में रख दिया है और अब चारों तरफ हम ढोकलों को जमाते जाएंगे और बीच में हम थोड़ा सा जगह रखेंगे ताकि जो स्टीम है वो चारों तरफ ढोकलों में लगती रहे। तो बस इसी तरीके से
हम गोल गोल सर्कल में ढोकलों को जमाते जाएंगे। तो बस इसी तरीके से स्टीमर में सारे ढोकले हम लगा देंगे और अब इनको हम ढक देते हैं और इनको आधे घंटे के लिए हम इसको पकने देंगे। बीच में एक दो बार आप इसको चेक कर सकते हैं चाकू या फिर किसी चम्मच की सहायता से कि पके हैं कि नहीं। तो ये देखिए आधा घंटा पकने के बाद काफ़ी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। और वैसे अगर आपको नहीं पता चलता है तो चाकू या चम्मच से चेक कर लें। तो देखिए पकने के बाद में काफ़ी अच्छी इसमें जाली पड़ जाती है। देखिए जाली पड़ गई है, बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो गर्मा गर्म ढोकलों पर आप घी या तिल के तेल के साथ कढ़ी डाल के सर्व करें।